मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह, गांव अकूस नगरिया, ब्लॉक फतेहपुर सीकरी, तहसील करावली, जिला आगरा का रहने वाला हूँ। मैंने 8 जुलाई को भिंडी यहाँ रखी थी। अच्छा। और साइड में मैंने दूसरी गोल्डन वाली भिंडी लगाई है। अच्छा। और मैं इस समय देख पा रहा हूँ कि जो भिंडी गोल्डन जैसी क्वालिटी है इस समय, अच्छा, जितनी भिंडी त्राण इसमें हुए हैं वो उतना ही त्राण इस गोल्डन में से हुए हैं। अच्छा। मतलब इस समय जो क्वालिटी दिख रही है वो बराबर टक्कर की दिख रही है। अच्छा, मतलब आप जो परंपरागत अपना जो बीज लगाते थे पहले से जो लगा रहे हैं उसके मुकाबले में ये जो सयाजी का आपने जो डेमो लगाया है तो आपको कहीं से भी 19 नहीं लग रहा? इस समय कहीं से भी 19 नहीं है इस समय कहीं से। अच्छा, आपने अभी तक कितनी तोड़ाई इसमें कर ली है? इसमें 3 तोड़ाई हो चुकी है। इस समय 3 तोड़ाई हो गई है। मतलब अभी आज के डेट में ये 52 दिन का आपका फसल हुआ। हाँ सर, 52। तो हम ये मान लें कि अगर जैसा कि आप बता रहे हैं कि कितने दिन पे आप तोड़ते हैं? तीसरे दिन आप तोड़ते हैं। तो यानी 46 दिन का ये पौधा फल देने लगा। 46 दिन में आप तोड़ाई शुरू कर दी? पहली तोड़ाई आपने 46 दिन में शुरू कर दी थी। अभी आपको ये खेत देख के आपको क्या क्या लग रहा है कि जो बाकी और भी लोगों का लगा है, आपके यहाँ चारों तरफ मुझे भिंडी दिख रही है, तो आपको ये देख के क्या महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है कि आगे भी इसका क्या रिस्पांस रहने वाला है? आगे सर यही रिस्पांस रहेगा कि भविष्य तो खैर नहीं पता है, लेकिन अब इस समय जो टक्कर है वो बराबर की है। अच्छा धर्मेंद्र जी, हमको एक बात बताइए, मंडी में जैसे आप लेके जा रहे हैं तो भाई मंडी में आप ये भी ले जा रहे हैं, इसको भी लेके जा रहे हैं, तो आपको कहीं ये तो क्या मंडी में आपको क्या महसूस हो रहा है कि मंडी में भी ठीक जा रहा है या उसके बराबर टक्कर में जा रहा है? मंडी में ये है क्वालिटी इसकी, जो ये इसका जो फल है वो ग्रीन है। अच्छा। और किसी भी मंडी में ग्रीन फल की ही वैल्यू ज्यादा होती है। ग्रीन जितना हरा होगा उतनी उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी। वैल्यू ज्यादा रहेगी। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं आपके यहाँ से अभी कुछ फल आपने तोड़ा भी है। हाँ। तो वो तोड़ने से ऐसा लग रहा है कि ये भिंडी पतली है और ग्रीन है, और इसमें दोनों काबिलियत है। हाँ। भिंडी पतली भी है। और एक चीज और आप बता रहे थे कुछ कि तोड़ाई उड़ाई को लेके भी आप कुछ कह रहे थे शुरू में ही आपने। ये नरम टूट रही है औरों की अपेक्षा। हाँ। जो भिंडी हम दूसरी तुराई करते हैं भिंडी से वो टाइट टूटती है, ये नरम टूट रही है इस समय। ये नरम टूट रही है। तो हाँ। इसका मतलब हम मतलब अगर आपके शब्दों में निकालें तो आप क्या कहना चाहेंगे नरम टूटने से मतलब क्या है? इस भिंडी का मतलब ये है कि और भिंडी जो टूटेगी 40 किलो एक लेवर से। हाँ। ये भिंडी टूटेगी 50 किलो। अच्छा। हाँ। मतलब ये डिफरेंस भी आएगा क्योंकि ये नरम टूट रही है। अच्छा, इतना भी। तो मैं ये मान के चलूं कि अभी तक की जो कंडीशन है 52-55 दिन में आप फिलहाल संतुष्ट हैं इस भिंडी? हाँ, से इस भिंडी से संतुष्ट हैं सर। अच्छा, रोग के बारे में आपका क्या ख्याल है बाकियों की अपेक्षा इस पौधे में, और ग्रोथ के बारे में भी जरा पौधे की ग्रोथ के बारे में? ग्रोथ अच्छी है इसकी, इस समय जो ग्रोथ हो रही है वो अच्छी है। हाँ। पोटाश भी अच्छी है इसमें। अच्छा। और मैं देख पा रहा हूँ कि जो भिंडी दूसरी है हमारी उसकी इस समय कोई 19 नहीं है, बराबर की टक्कर ले रही है। अच्छा, उसके बराबर में, मतलब बराबर में। इस डेमो से ये जो ट्रायल लगा था सयाजी का, इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, संतुष्ट। इस समय तक आप संतुष्ट? हाँ, हैं इस समय तक संतुष्ट। मेरा नाम अनिल कटियार है, मैं नारायणपुर गढ़िया निवासी, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद का रहने वाला हूँ। ये सयाजी तरबूज जो है बहुत अच्छी पैदावार और अच्छी लगन देता है। इसका बजट अभी ये 2 महीने का हुआ है, 60 दिन का, और इसका वजन जो वेट जो है 3 किलो 2.5-3 किलो का हो गया है। अभी इसमें जो है क्वालिटी के हिसाब से अभी ये 15 दिन और लेगा तो इसका वजन जो है 4-5 किलो हो जाएगा। अधिक से अधिक पैदावार है और इसमें जो है अच्छी पैदावार के लिए ही हम और किसानों से ये कहेंगे कि अब की बार जो है सयाजी ही लगाएँ। मेरा नाम गुलाब सिंह है, सनौक देवीरा, ये गांव क्षेत्री का रहने वाला हूँ। मैंने अपने खेत में 2 बीघा लौकी सयाजी कंपनी की लगाई है। इसका फल लंबा पतला बहुत अच्छा है, मार्केट में इसका दाम भी बहुत अच्छा मिलता है और इसमें फल बहुत आता है और लौकी का वजन वेट बहुत अच्छा है और जो भी ग्राहक इसे ले जाते हैं वो इस चीज़
से बहुत संतुष्ट हैं, इस विषय में बहुत संतुष्ट हूँ।